आज जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल की मीटिंग जो है मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बहुत सारे जो है फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ी जो बात है वो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है और हिमाचल प्रदेश में जो भारी नुकसान बरसातों में हुआ है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे पीने के पानी की स्कीम्स है, चाहे बिजली के स्कीम्स हैं, उन सब की बहाली हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने स्तर पे कुछ की परमानेंट, कुछ की टेम्परेरी रेस्टोरेशन की है। आज कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने और हिमाचल विधानसभा द्वारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 9,043 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। उस पे रिक्वेस्ट की है कैबिनेट ने कि केंद्र उस पे पुनर्विचार करके जो है जो हमारी मदद है वो केंद्र सरकार जो है वो जल्द से जल्द हमें पैसा जो है वो हिमाचल प्रदेश को दे, ताकि जो हमारा रहा सहा जहाँ पे नुकसान है, कमियां है, उसको पूरी की जा सके। दूसरा जो चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई और कैबिनेट ने अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश में घटनाक्रम हुआ है, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने के और गिराने की प्रयास किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी असफल रही है, हमारे कुछ विधायकों को जो है राज्यसभा के चुनाव में वोट डलवा करके उन्होंने जो है अस्थिरता पैदा की है, उसका जो है कैबिनेट ने बड़ा खंडन किया है, भर्त्सना की है। और मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास व्यक्त किया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार उनके नेतृत्व में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और उनके साथ जो है पूरा मंत्रिमंडल और कांग्रेस का पूरा विधायक दल जो है उनके साथ जो है वो खड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है तीसरी जो मुद्दा है वो हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मुकेश अग्निहोत्री जी, उनकी जो धर्मपत्नी है डॉक्टर सिमी अग्निहोत्री जी, उनका जो देहांत हुआ है उसमें भी कैबिनेट ने जो है वो जो है संवेदना व्यक्त की और मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ को साहस और भरोसा और समर्थन देने का फैसला किया है। और साथ ही साथ जो ऊना का डिग्री कॉलेज है, हरोली डिग्री कॉलेज है, उसका नाम बदल के जो है डॉक्टर सिमी अग्निहोत्री के नाम पे रखने का जो है वो कैबिनेट जो है फैसला लिया है। इसके अलावा जो हमारी जो इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि है, जो कि हमने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में जो कहा था कि हम हर महिलाओं को 1,500 रुपये देंगे, जिसकी घोषणा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल के लोगों को बताया, उस स्कीम पे आज जो है वो कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। और इसकी जो शुरुआत है वो किस्त जो है वो 1 अप्रैल 2024 से जो है वो दे दी जाएगी। इस पे जो पूरा खर्चा है वो लगभग 887 करोड़ रुपए, जो सालाना जो खर्चा है 887 रुपए के करीब जो है सालाना खर्चा जो है इसमें जो है आएगा। इसके अलावा जो है हमने चुनाव में घोषणा की थी कि जो एसएमसी टीचर्स हैं और कंप्यूटर टीचर्स हैं उनको जो है रेगुलर करने के लिए जो है रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। आज जो कैबिनेट सब कमेटी है जिसकी जिसकी अध्यक्षता रोहित ठाकुर जी शिक्षा मंत्री व अनिरुद्ध जी और उन्होंने अपनी जो है कैबिनेट में रिपोर्ट सब कमेटी में दी है और कैबिनेट ने विस्तृत रूप से चर्चा करके जो है हिमाचल प्रदेश के जो 2,401 एसएमसी के जो कर्मचारी हैं उनको नियमित करने के लिए रास्ता निकाला है, क्योंकि तो उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन भी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको जब तक रेगुलर नहीं आएंगे तब तक इनको जो है हटाया ना जाए, तो तब से वो कंटिन्यू कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि उनको नियमित किया जाए। तो लॉ डिपार्टमेंट और जो कैबिनेट सब कमेटी ने रास्ता निकाला है इसमें कि भाई अभी फिलहाल इनको जो है एलडीआर लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक प्रोसीजर है उसके माध्यम से इनको जो है रेगुलर किया जाए। उसमें
फॉर्मेलिटी होगी, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी होगी, और उसमें जो पोस्ट आएगी उसमें अराउंड अबाउट 5% के करीब पोस्ट में इनके लिए होंगी, और वो उनको इस लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद आने वाले समय में जो है वो रेगुलर हो जाएंगे। तो इसके अलावा जो है वो हमारे कंप्यूटर टीचर्स हैं, उनकी भी मांग थी कि उनको रेगुलर किया जाए, और वो 985 लेक्चरर के कंप्यूटर के पद हैं जो लगे हुए हैं, इनको जो है उसमें कंटिन्यूस भर्ती किया जाएगा, भर्ती कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है और इश्यूज जो है वो हमारे जो जिला परिषद के हमारे जो कर्मचारी हैं वो लगभग कोई 450 करीब, 4,500 के करीब जो जिला परिषद के कर्मचारी हैं उनको जो है वो जो 6th पे कमीशन है उसकी जो इंक्रीज थी सैलरीज की वो नहीं दी गई। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि जिला परिषद के सभी कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 6ठे वेतन आयोग के बराबर जो है वो कर दी जाए। और हमने एक और वायदा किया था कि हमारा जो है गोबर जो है वो हिमाचल कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था और गारंटी में था कि गोबर जो है वो हम 2 रुपये प्रति किलो लेंगे। आज कैबिनेट में जो है चौधरी चंद्र कुमार जी द्वारा, उनके डिपार्टमेंट द्वारा एक एजेंडा आया जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया है कि काव डंग जो है उसको जो है वो खरीदेगी, उसको कन्वर्ट करके जो है कंपोस्ट खाद कन्वर्ट करके जो है 3 रुपये प्रति किलो जो है वो जो है डिपार्टमेंट है खरीदेगा, और डिपार्टमेंट इस स्कीम को चलाने के लिए पीपी मोड पे किसी कंपनी को या किसी एजेंसी को हायर करेगा जो कलेक्शन भी करेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा, पैकेजिंग भी करेगा, मार्केटिंग भी करेगा। तो ये जो है कैबिनेट ने आज फैसला लिया है। और इसके अलावा जो है कुछ और इश्यूज हैं, जो आज कैबिनेट ने जो है ये है जिसमें सूही मेला चंबा को जिला स्तरीय घोषित करने के बारे में किया गया है, साहू जाकर मेला जो है उसको भी जो चंबा का है उसको भी जिला स्तरीय करने के लिए कैबिनेट ने फैसला किया है। इसके अलावा जो है क्लर्क्स हैं, स्टोर क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट हैं उनको जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में उनके प्रमोशन का कोई एवेन्यू नहीं था तो उनको JOIT की पोस्ट पे जो है प्रमोशन देने का प्रावधान जो है कैबिनेट ने किया है। इसके अलावा हिमाचल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो शिमला डिवीजन नंबर 1 और शिमला डिवीजन नंबर 3 है उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया है, जो कुछ एरिया एक से निकाल करके डिवीजन नंबर 3 में डाल दिए, कुछ का डिवीजन नंबर 3 के 1 में डाल दिए, रीऑर्गेनाइजेशन किया है। इसके अलावा अमेंडमेंट किया है हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव रूल 1971 में भी जो है वो की गई। और 10 पोस्टें जो है पोस्ट जो है क्योंकि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर भी बहुत लंबे समय से कोई 534 कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हैं हिमाचल प्रदेश में, इनकी मांग थी कि इनको जो है प्रमोशन के लिए जो एवेन्यूज हैं बहुत कम थे, तो इनकी मांग थी कि भाई नई पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट 6 पोस्टें जो है 6 पोस्टें जो इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर की और DAO की पोस्टें जो है स्वीकृत की है ताकि उनके जो प्रमोशन के एवेन्यूज है वो जो है वो जो है खुल जाए। इसके अलावा जो है कांगड़ा कांगड़ा की तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा की तहसील ज्वालामुखी के अंतर्गत भडोली, भडोली जो तहसील है और भडोली जो है जो स्थान है वहाँ पे नई उप तहसील खोलने के बारे में जो कैबिनेट ने फैसला किया गया है। आज क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो माइनिंग पॉलिसी है वो पिछले कैबिनेट में जो है माइनिंग पॉलिसी को लाया गया था और उसको स्वीकृति प्रदान की थी, आज जो रूल्स हैं माइनिंग पॉलिसी में रूल्स कुछ अमेंडमेंट और चेंज करने के प्रावधान थे वो आज कैबिनेट ने मेजर मिनरल कंसेशन रूल्स में की जो है वो आज अनुमति प्रदान की है, जिससे विभाग को अनुमानित किया है कि भाई लगभग 100 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू जो है आने वाले समय में, और जो माइनिंग से है वो 100 करोड़ रुपये का रेवेन्यू है जो और जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है रिहेबिलिटेशन प्लान जो है आज कैबिनेट ने प्रेजेंटेशन दिया, कांगड़ा एयरपोर्ट से जो स्थापित होने हैं लोग जिनके घर है, मकान है, दुकानें हैं,
वो जो विस्थापित होने हैं उनके बारे में भी आज कैबिनेट को एक विस्तार पूर्ण जो है रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट प्लान जो है वो प्रेजेंटेशन की गई है, जिसमें कि जो दुकानदार को कितना पैसा दिया जाएगा, मकान मालिक को कितना पैसा दिया जाएगा, किस तरह से उनको जो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है, उनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, वो सारे का सारा बड़ा लंबा प्रेजेंटेशन है, वो सारा प्रेजेंटेशन दिया है। उसमें आज विस्तृत रूप से चर्चा की है और उसको उस रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट जो प्लान है उसको और एमेंड करने का और लोगों को फायदा पहुंचे उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी उनको जो है डिपार्टमेंट को और आदेश जो है वो दिए। इसके अलावा जो है एक पोस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर मेडिकल मेडिकल फिजिक्स IGMC में खोलने की स्वीकृति प्रदान की है, और एक और पोस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी टांडा मेडिकल कॉलेज में है उसके लिए भी है, एक पोस्ट क्रिएट की गई है। कांगड़ा जिले में पिहरी पिहरी जिला कांगड़ा में पिहरी में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC खोलने के बारे में जो है कैबिनेट ने जो है वो आज जो है फैसला लिया। तो ये इश्यूज थे आज जो है कैबिनेट में जिसपे जो है चर्चा की गई। ठीक है, थैंक यू। सर GOIT देखो GOIT की जो है कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग है, 4 बजे मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में GOIT की मीटिंग है, उसमें आज जो है कैबिनेट सब कमेटी अपना फैसला कर लेगी ताकि उनके रिक्रूटमेंट और उनका जो रुका हुआ प्रोसेस है वो आगे बढ़ सके। और सर आप चंडीगढ़ में भी थे, जिस तरह की परिस्थितियां हिमाचल अब ऐसा प्रदेश है कि में। आप पॉलिटिकल बातें छोड़ो, आज जो है ये जो मीटिंग सर बुलाई बहुत है जरूरी सवाल ये है। कैबिनेट की जो फैसले हैं उसके लिए मिल रेस्पॉन्सिबल। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।